नमस्कार दोस्तों, आज मैं काटने जा रही हूँ कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग। देखिए ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट छोटा होगा, फ्रंट पार्ट बड़ा होगा। और ये हमने चार तह बना दी है इसकी, कपड़े की। 1 2 3 4 फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। इसकी लंबाई होगी 14 इंच, जो हमें तैयार करना है। 12.5 इंच हमारा तैयार रहेगा और 14 इंच की लंबाई है। 1 इंच इधर दब जाएगा और 1/2 इंच कंधे पर। इसका तीरा होगा 6 इंच। दोबारा देख लीजिए, इसका तीरा 6 इंच है और मुड्ढे की लंबाई 6.5 इंच। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोबारा देख लीजिए, मुड्ढे की लंबाई 6.5 इंच होगी और इधर से भी, इधर से 6 इंच। और इसका, इसकी चेस्ट होगी 32 इंच। 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। हम इसकी 32 इंच बना रहे हैं। जितना आपका हिसाब, अपने हिसाब से बनाइए। 40 इंच का चौथाई भाग रख लीजिए, 38 इंच का। अब हमारा 32 इंच है, इसका चौथाई भाग 8 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ऐसे ही नीचे 7.5 इंच कमर और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम इसके ऐसे लंबा निशान कर देंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिंपल ब्लाउज की तरह ही इसके निशान लगेंगे, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में निशान लगाते हैं। 1 इंच मुड्ढे में गोलाई देने के लिए। अब हम इसकी गोलाई ऐसे देते हैं, ये हमने गोलाई दे दी है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है और दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसे साइड में कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब देखिए हम इसकी कटोरी की कटिंग करेंगे। पहले काट लेंगे हम इसकी बेल्ट। ब्लाउज की बेल्ट होगी 2.5 इंच इधर से और इधर से रखेंगे हम 2 इंच। ऐसे बेल्ट हम अलग कर लेंगे। दोबारा बता रहे हैं, 2.5 इंच बेल्ट है और इधर से है पीछे की तरफ से 2 इंच। और दोनों बेल्ट अलग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हम कर देंगे कटोरी का नाप। यहाँ 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया कटोरी का और इधर से लगा देंगे हम 2 इंच पे। फिर यहाँ से 5 इंच पे। फिर यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे कटोरी का। अब हम ऐसे ही गोलाई ले देंगे।
ये हमारी कटोरी कट चुकी है और ये अब हम इसका गला काटते हैं। गला अपने अनुसार काटना है, कितना आपको रखना है। हम काटेंगे दो इंच बराबर और 6 इंच में लंबाई। आधा इंच का निशान लगा देंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे। तो देखिए 2 इंच की चौड़ाई है, 6 इंच गले की लंबाई, आधा इंच निशान, फिर गोलाई। अब ऐसे ही हम इसका गला कटिंग कर देंगे। ये कट चुका है हमारा कटोरी कट ब्लाउज। ये देखिए ये इसमें पाइपिंग लगा के भी बना सकते हैं। इधर पाइपिंग लगा के बनाएंगे, बहुत सुंदर ढाल आएगा।